जैतिया फिरोजपुर में दम तोड़ती सरकारी योजनाएं। जनपद मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके के जैतिया फिरोजपुर तक आते आते केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं दम तोड़ रही हैं, जिसका प्रमाण गांव की कुछ गरीब महिलाओं ने कैमरे के सामने आकर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार की बने हुए भी 6 साल से अधिक का समय हो गया है, तो वहीं प्रदेश की योगी सरकार ने भी अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। केंद्र और प्रदेश मुख्यालयों से गरीबी के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं तो पास हो रही हैं, लेकिन धरातल तक नहीं पहुँच पा रही हैं। कारण चाहे जो भी हो, खामियाजा तो देश और प्रदेश की गरीब जनता को ही उठाना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ मामले कुंदरकी क्षेत्र के गांव जैतिया फिरोजपुर से सामने आए हैं। गांव की 2 विधवा महिलाओं के घरों की स्थिति तो इस कदर बदतर है कि उनमें रहना ही नामुमकिन है। घर के नाम पर बस पन्नी डालकर जिंदगी बसर कर रही हैं। आज जब हमारी टीम ने गांव का दौरा किया तो उसकी ये सच्चाई सामने आई। किसी किसी प्राइवेट क्लिनिक पर आया का काम करने वाली महिला ने जो कैमरे के सामने अपनी परेशानी बयान की, वो चौंकाने वाली थी। परेशानी तो बेटा सभी है, बैठने की उठने की। जो न रात को सारे सोते पे कह रही हैं, सोते पे सारी चिची आवे, जो ना का हम आराम से सो भी जाना। बरसात का मौसम बर्बाद हो रहा है, बहुत ये सबका जो है सबकी परेशानी ही सबके हमारा। नहीं जी, हमारे मकान कहाँ बने? आपने प्रधान से कहा था? प्रधान से बहुत कहा था, प्रधान ने सुनी ना। प्रधान ने तो हमारी कालन कुछ भी ना। हाँ, हमें तो राशन तलक को ना मिल रहा। राशन कार्ड नहीं है? नहीं। कॉलोनी इतनी है, आपने कहा था कि हमारा घर बना कर दो। लैटरिन में कभी जो मुश्किल से लैटरिन को बना कर दिए थे, तुम के घर से ईंटियाँ लाए थे। आपके परिवार में? परिवार में तो बेटा 3 लड़के हैं, वो परदेश में रह रहे हैं, हम ही हमें यहाँ पर। सारे चिच्चे आते हैं यहाँ चौमासे में, बहुत परेशानी रहती है हमारे टाइम, बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है। बचने उचने को, बच्चे को ऐसे ले ले फिरते रहते हैं। बरसात में कितने जगह हैं? बरसात में कैसे परेशानी? और बहुत परेशानी होती है खाना उना बनाने से और अपने रहने उने से। रात में उठ उठ के बैठते हैं। तो क्या आपको पता है कॉलोनी बनी? आपको कॉलोनी हमें ना मिली कॉलोनी। कहा नहीं आपने? बहुत कहा, फोटो भी खींच के ले गई और सब कुछ, पर कुछ हमारी सुनी नहीं। किससे कहा? प्रधान ने कई बार ऐसी खींच के ले गए फोटो वोटो और कभी ना कोई सुनवाई नहीं करी प्रधान ने। आज सरकारें प्रत्येक व्यक्ति को घर देने की बात कर रही हैं, लेकिन इस विधवा महिला ने बताया कि बरसात के टाइम तो पूरी पूरी रात अपने बेटे को लेकर एक कोने में बैठकर बितानी पड़ती है। उन्होंने कई बार ग्राम प्रधान प्रमोद से सरकारी योजना का घर बनवाने के लिए कहा, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा ग्राम प्रधान उन्हें ही डांटकर भगा देता है। कुछ ऐसी ही स्थिति और भी कई परिवारों की है। उन्हें तो सस्ते गल्ले की दुकान से राशन तक नहीं मिल पा रहा है। जरूरतमंदों की आवाज़ उठाने और उनका हक दिलाने के लिए जब हमारी टीम ने ग्राम प्रधान प्रमोद से उनका पक्ष जानना चाहा, तो वो बहाना बनाकर कहीं चले गए। हमारे नाम रसीदन है। कौन सा गांव है? हम ये जैतिया फिरोजपुर है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये हमारे कॉलोनी आए हैं, प्रधान जी हमारे कॉलोनी नहीं दे रहे हैं, ये दिक्कत है। हमें 4 साल हो गए, 4 साल से हम परेशान हैं। बोलने के लिए जाओ तो वो हमें धमकी देते हैं कि तुम्हें जो करना करो, हम डरते नहीं हैं। कौन धमकी देते हैं? प्रधान जी धमकी देते हैं हमें कि तुम्हें जो करना है। प्रधान जी का नाम प्रमोद है। आपको इस मकान में क्या क्या परेशानियाँ आ रही है रहने में? इस मकान में हमारे बहुत परेशानी, हमारा सारा अनाज भीग गया, हमारे खाना पीने का सब सामान नुकसान हो गया। आप देख लो ऊपर भी सब टूटे पड़े हैं। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, करने वाले कोई नहीं। हम एक विधवा औरत है, हम खुद काम करते हैं। इस बात को हमारे गांव वाले से खुद पूछ लो। हम एक हॉस्पिटल में नर्स हैं, नर्स का काम करते हैं। बरसात का मौसम है तो किस तरीके की परेशानी आ रही है? परेशानी बहुत है, हमें पानी टपकते हैं इसमें रहने का से ना, पूरी रात हो जाते हैं हम एक कोने में, माँ बेटे बैठे रहते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारे मकान बन जाए, हमें कॉलोनी मिल जाए हमारी। प्रधान से कहा नहीं बना मिले? प्रधान को कहे हमने, उन्होंने हमें धमकी दे रहे हैं। जी है। मिले आप? हाँ मिले हैं हम, बहुत वहाँ गए हम, कुंदर के भी लोग भी गए थे, वहाँ पर भी हमने शिकायत की, तो वहाँ पर भी प्रधान जी पहुँच गए। वहाँ पर भी उन्होंने बोले क्या किए, उन अधिकारी वाले को पैसे भर दिए, उन्होंने पैसे दे दिए।